नमस्कार दोस्तों, जीके अर्जुन सर यूट्यूब चैनल पे आपका एक बार फिर स्वागत है। मिशन यूजीसी नेट एग्जाम 2019 इतिहास भाग 65 में, जो इसकी परीक्षा जून में होने जा रही है, तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अभी तक आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन की घंटी को क्लिक करना ना भूलें, ताकि जब भी मैं अगला वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। देखिए, वीडियो शुरू करने से पहले आपको मैं बताना चाहता हूं कि हमारा चैनल पर जो है इसका यूजीसी नेट इतिहास के लिए स्पेशली जो है प्लेलिस्ट भी बना हुआ है इसको, तो प्लेलिस्ट में जाकर इसमें और तमाम वीडियो जो है इसके नीचे जो सीरीज हैं उसको भी देख सकते हैं आप। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 61, अकबर के पुत्र शहजादा मुराद की मृत्यु हुई। अकबर के पुत्र शहजादा मुराद की मृत्यु हुई, तो ऑप्शन इसमें दिया है दुर्घटना से, बीमारी से, अधिक मद्यपान से या युद्ध से। तो इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा अधिक मद्यपान से। क्वेश्चन नंबर 62, कृष्णदेव राय के शासनकाल में अष्ट दिग्गज किसे कहा जाता था? तो अष्ट दिग्गज जो है इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी तेलुगु भाषा के आठ महाविद्वानों को जो है अष्ट दिग्गज कहा जाता था। क्वेश्चन नंबर 63, हरिहर एवं बुक्का ने किसके प्रभाव में आकर विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की? तो ये की थी विद्यारण्य की। क्वेश्चन नंबर 64, विजयनगर साम्राज्य की सामाजिक व्यवस्था में गणिकाओं के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, यानी उन्हें प्रशासन के महत्वपूर्ण पदों पर नियुक्त किया जाता था, ये सही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 65, निम्नलिखित में से किसने अफीम लेकर आत्महत्या की? तो इसका करेक्ट आंसर होगा डी, शाह बेगम। क्वेश्चन नंबर 66, अपने सिंहारोहण के पश्चात प्रसिद्ध 12 आदेश जारी किए थे, तो प्रसिद्ध 12 आदेश किसने जारी किए थे? ऑप्शन है इसमें अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब। तो करेक्ट आंसर होगा इसका बी, जहांगीर। क्वेश्चन नंबर 67, निम्नलिखित जहांगीर की पत्नियों में से कौन राजपूत नहीं थी? कौन राजपूत नहीं थी? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, नूरिसा बेगम, नूरिसा बेगम। क्वेश्चन नंबर 68, नल दयंती की कहानी का फारसी में किसने अनुवाद किया था? अनुवाद किया था, इसका आंसर हो जाएगा बी, फैजी ने। क्वेश्चन नंबर 69, निम्नलिखित में से कौन शेख अल हदाद फैजी सरहिंदी द्वारा लिखित है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, अकबर नामा। क्वेश्चन नंबर 70, निम्नलिखित में से कौन अकबर का समकालीन होते हुए भी आईने अकबरी में उल्लेखित नहीं है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, तुलसीदास। क्वेश्चन नंबर 71, निम्नलिखित में से किसे वीरता एवं साहस के लिए शाहजहां द्वारा बहादुर की पदवी दी गई थी? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, औरंगजेब द्वारा। क्वेश्चन नंबर 72, जनता को झरोखा दर्शन देने की प्रथा समाप्त की किसने की थी? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, औरंगजेब ने। क्वेश्चन नंबर 73, शाहजहां के दरबार का राज कवि था, शाहजहां के दरबार का राज कवि था कौन था? इसका आंसर हो जाएगा डी, कलीम। क्वेश्चन नंबर 74 सुमेलित करने के लिए दिया गया है इसमें, तो तारीख़े हिंद किसकी है? ये
तारीखे हिंद अल बरूनी की है। इसके बाद तारीखे खान जहानी, तो ये जो है नियमतुल्लाह की है। इकबाल नामा ए जहांगीरी, ये किसकी है, तो मोतमाद खां की है। और मुंतखब उत तवारीख किसकी है, अब्दुल कादिर बदायूनी की। इस प्रकार ये सुमेलित है। क्वेश्चन नंबर 75, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित है, इसमें सही सुमेलित पूछा गया है इसमें, तो इसके करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, यानी फुतुहात ए आलमगिरी ईश्वरदास नागर की है। क्वेश्चन नंबर 76, लाल किला की मोती मस्जिद का निर्माण किया था, किसने किया था, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, औरंगजेब ने। क्वेश्चन नंबर 77, हिंदुस्तान में मराठा विस्तार हमारी विजय पताका को कृष्णा से अटक तक ले जाएगा, यह प्रस्ताव किस मराठा पेशवा द्वारा प्रस्तुत किया गया था, तो ये था बाजीराव फर्स्ट द्वारा। क्वेश्चन नंबर 78, निम्नलिखित में से किस मुगल सेनापति ने शिवाजी को पुरंदर की संधि 1665 पर हस्ताक्षर करने के लिए बाध्य किया, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मिर्जा राजा जय सिंह। क्वेश्चन नंबर 79, शिवाजी अपने समुद्री बेड़े को कहाँ ठहराते थे, तो ये ठहराते थे, इसका आंसर होगा ए कोलाबा में। क्वेश्चन नंबर 80, सूची फर्स्ट को सूची सेकेंड से सुमेलित करना है, सही कूट का उत्तर चयन करना है, तो संभाजी पहले मिलाते हैं 1680 से 1689, यानी बी का टू है। इसके बाद जो है राजा राम 1689 से 1700, इसके बाद शिवाजी द्वितीय हैं 1700 से 1707, और छत्रपति साहू जो है 1700 से 1707, और शिवाजी द्वितीय 1707 से 1749 तक हैं ये। इस प्रकार ये सुमेलित हैं। क्वेश्चन नंबर 81, निम्नलिखित अंग्रेजों में से किसने गुजरात में व्यापार करने के लिए अकबर से फरमान प्राप्त की थी, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए राल्फ फिच। क्वेश्चन नंबर 82, निम्नलिखित मुगल बादशाहों में से किसने ईस्ट इंडिया कंपनी को सूरत में फैक्ट्री यानी कारखाना स्थापित करने की आज्ञा दी, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए जहांगीर। क्वेश्चन नंबर 83, भारत में पुर्तगालियों का प्रथम व्यापारिक केंद्र था, कहां पर था प्रथम व्यापारिक केंद्र, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी गोवा में। क्वेश्चन नंबर 84, ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल में शुल्क मुक्त व्यापार करने का विशेषाधिकार दिया गया था, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए 1717 में। क्वेश्चन नंबर 85, भारत में फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी तथा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के संघर्ष के दौरान फ्रांस का राजा था, तो फ्रांस का राजा कौन था, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा लुई 15वां। क्वेश्चन नंबर 86, 18वीं शताब्दी में भारत में फ्रांसीसी कंपनी की वास्तविक स्थिति के बारे में निम्नलिखित में से क्या सत्य है, इसमें क्या सत्य है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, यह मुख्य रूप से सरकारी उपक्रम है। क्वेश्चन नंबर 87, निम्नलिखित में से कौन अवध का नवाब अपने दरबार में ब्रिटिश राजदूत रखने को राजी हो गया, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी सुजाऊ दौला। क्वेश्चन नंबर 88,
निम्नलिखित में से किस मराठा सरदार ने 1719 में मुगल बादशाह को अपदस्त करने में सैयद बंधुओं की सहायता की? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, बालाजी विश्वनाथ। क्वेश्चन नंबर 89, पानीपत के तृतीय युद्ध के समय जाट शासक सूरजमल की क्या भूमिका थी? ये किसकी भूमिका थी? इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी वह युद्ध से अलग रहा, यह भूमिका थी। क्वेश्चन नंबर 90 और अंतिम क्वेश्चन, बंदा सिंह को किस बादशाह के आदेश से मृत्युदंड दिया गया? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, फरूख सियर के। तो उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको पसंद आए, अगर पसंद आए तो अपने मित्र या दोस्तों के अधिक से अधिक शेयर करें। इसके अलावा इतिहास से संबंधित और भी क्वेश्चन जो है, अगर आप चैप्टर वाइज आपको ऑडियो में चाहिए तो खबरी ऐप पर जीके अर्जुन सर के नाम से चैनल है, उसको सर्च कर वहाँ से भी आप लोग इसको देख सकते हैं या सुन सकते हैं ऑडियो के माध्यम से। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।